मैं नेहा सेन फिर से उपस्थित हूँ आपके लिए कक्षा 10 का पाठ 4 देव लेकर के। इससे पहले हम सूरदास, तुलसीदास और सेनापति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज कक्षा को जारी रखते हुए हम पढ़ते हैं आचार्य देव के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि भक्ति हिंदी साहित्य के जो काल हैं वो चार भागों में विभाजित है। कौन कौन से? आदिकाल, भक्तिकाल, प्रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल का आपकी किताब में किसी कवि का वर्णन नहीं है, भक्ति काल के आपके सूरदास और तुलसीदास दोनों के बारे में वर्णन किया गया है, रीति काल में आपके सेनापति और आचार्य देव श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं, रीति काल के श्रेष्ठ कवियों का वर्णन भी आपके किताब में दिया हुआ है। तो आचार्य सेनापति के बारे में आप पढ़ चुके हैं, आचार्य देव के बारे में आपको आज पढ़ना है। तो आचार्य देव जो है रीतिकालीन काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। इनका जन्म इटावा में हुआ था संवत 1730 के अंदर, इनकी मृत्यु हुई थी संवत 1824 के अंदर। संवत और सरनम आपको पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में विशिष्ट स्थान रखने वाले कवि देव का जन्म विक्रम संवत 1730 में हुआ। इनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि ये इटावा के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इटावा माना जाता है। इस संबंध में एक उक्ति प्रचलित है, इनके बारे में कहा जाता है कि द्योंस रिया कवि देव को नगर इटावो वास। इस पंक्ति से यह साफ दिखाई दे रहा है, स्पष्ट पता पड़ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इटावा में हुआ था। इनके पिता का नाम कुछ विद्वान जो है बिहारी लाल दुबे मानते हैं और इनके गुरु जो माने जाते हैं वो हित हरिवंश माने जाते हैं, ठीक है, जो कि वृंदावन में रहते थे। और इनके वंशज जो है वर्तमान में इटावा और कुसमरा नामक जिले के अंदर रहते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में आचार्य शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं, उन्होंने इनके ग्रंथों की संख्या 52 मानी है, कुछ इनकी ग्रंथों की संख्या 62 भी मानते हैं। उनमें से प्रमुख जो है वो भाव विलास है, भवानी विलास है, कुशल विलास है, रस विलास, काव्य रसायन, उसके अतिरिक्त देवचरित्र, अश्वयाम, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी जो कि अपना अमूल्य निधि मानी जाती है हिंदी साहित्य के अंदर। देव ने भी केशव की भांति कवि और आचार्य कर्म का निर्वाह किया था। केशव दास भी रीति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो उन्हीं के अनुसार इन्हें भी प्रसिद्धि थी, इनको भी काव्य लिखने के अंदर, ठीक है। स्वभाव से रसिक होने के कारण उनके काव्य के अंदर श्रृंगार रस का बहुत अधिक दृष्टिकोण जो होता है, काव्य की जो उनकी जो रचनाएं हैं उनके अंदर श्रृंगार रस का आपको बहुत ज्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा। और इस जो रचनाएं हम जो पढ़ेंगे पर उनके अंदर भी संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार वर्णन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है। वैसे तो रसवादी आचार्य थे देव, लेकिन अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग के प्रति उनका आग्रह था। देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा को अपनाया, लेकिन उसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी तथा उत्तर भारत के अन्य बोलियों के शब्दों का भी स्वतंत्रता से प्रयोग किया। आचार्य देव ने अपने काव्य के अंदर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, मालवीकरण अलंकार, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया है और उन अलंकारों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी रचना को श्रेष्ठ बनाने का कार्य किया। हम देखते हैं सबसे पहले पहला पद जो है आचार्य देव का, इसमें इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है और श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन करते हैं उन्होंने उनके मुख माथे पर मुकुट है, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं, उनके कमर में गर्धनी सुशोभित हो रही है, वो जग रूपी दीपक के मंदिर के दीपक के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है कृष्ण भगवान का। देखें, पायन नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। पहली पंक्ति में ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में नुपुर यानी कि पायल बज रही है जो कि बहुत सुंदर मधुर ध्वनि कर रही है। कटी किंकिनी, कटी मतलब कमर में उनके घुंघरों की कंदौनी, जो कमर में पहनने का आभूषण होता है कंदौनी, वो उन्होंने धारण कर रखी है और उसकी ध्वनि भी कैसी है, मधुर प्रतीत हो रही है। सांवरे अंग लसे पट पीत धीरे हुलसे बन माल सुहाई है। सांवरे अंग के जो कृष्ण भगवान है उनके शरीर पर पीले रंग का पीतांबर सुशोभित हो रहा है और उनके हृदय पर वन माला से बनी हुई फूलों की माला सुशोभित हो रही है, वनों के फूलों से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। माथे की बड़े त्रिग चंचल उनके माथे के ऊपर मुकुट सुशोभित है, उनके बड़े बड़े चंचल नेत्र है, मंद हंसी मुख चंद जुनहाई, उनकी जो मंद मंद हंसी है वो चंद्रमा की चांदनी के समान सुशोभित हो रही है उनके मुख के ऊपर।
जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, वे जग रूपी मंदिर के दीपक के समान सुशोभित हो रहे हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण और वही दीपक अर्थात वही भगवान श्री कृष्ण ब्रज के दूल्हे के समान आचार्य देव की हमेशा सहायता करें। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण इस संसार को दीपक के समान प्रकाशित कर रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण देव की अर्थात मेरी भी सहायता करें और मुझे भी प्रकाशमान करें। बच्चों इस पद के अंदर देखो अलंकार आपको ढूंढने हैं, तो अलंकार आप देखोगे तो यहाँ पर क और क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो ध और ध मध्य में आ रहा है, तो यहाँ पे भी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। पट पीक हियर फुल से, ठीक है। इसके अतिरिक्त जे जग और अगर आप मंदिर दीपक में करोगे तो यहाँ पर रूपक अलंकार और उपमालंकार दोनों है, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मन मुख चंद जुन्हाई अर्थात चंद्रमा की चांदनी के समान, तो यहाँ पे उपमालंकार है। तो ऐसे आपको जब आप विशेष लिखते हो, व्याख्या करते हो जब आप, तो व्याख्या में प्रसंग आता है, प्रसंग में आप बताएंगे कि किसकी रचना है, किस पाठ से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है, ठीक है, उसके रचनाकार कौन है, फिर आप व्याख्या करेंगे। और व्याख्या के बाद में जब आप विशेष लिखते हैं तो विशेष के अंदर आप ये चीजें लिखते हैं कि इसमें अलंकार कौन सा प्रयोग किया है, काव्य की विशेषताएं जो होती है पद के अंदर वो आपको उसके अंदर ये लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पद। दूसरा पद धार में धाई धसी निर्धार हुए चाय फसी उसी नागे। अब पहले पद में तो आचार्य देव ने क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया था। यहाँ दूसरे पद में एक कोई गोपी है जो कि भगवान श्री कृष्ण के नैनों की सुंदरता में इतनी मोहित हो गई है कि उसे कुछ भी होश नहीं आया, वो मतलब बदहवास हो गई है, उसको किसी प्रकार की कोई सुध-बुध नहीं है, वो बेचैन हो गई, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में इतनी हो गई है कि उसे किसी भी चीज का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो अपनी सखी से कह रही है, अपनी सहेली से कह रही है, क्या कह रही है कि हे सखी धार में धाएं धसी निर्धार है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में ऐसी बस गई हूँ कि नेत्रों की प्रेम रूपी धारा में इतनी मोहित हो गई हूँ कि मैं निराधार हो गई, उसमें जाकर के फंस गई हूँ बुरी तरीके से, जाए फंसी उसी ना बेरी, और मैं वहां से निकलने का प्रयत्न कर रही हूँ लेकिन निकल नहीं पा रही है, उनमें मैं इतना जाकर के गहराई में डूब गई हूँ कि उनसे निकलने का प्रयास करने पर भी मैं उनसे नहीं निकल पा रही हूँ। श्री अंतराय गिरी गहरी गई फेरे फिरी और गिरी नहीं गिरी। अब कभी यहाँ पे क्या कह रही है यहाँ पे गोपिका कि मैंने उनको निकालने की कोशिश करी, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अपने आंखों को दूर करने की कोशिश करी, उनकी रूप माधुरी से दूर जाने का प्रयास किया मैंने, लेकिन जब अंगड़ाई लेकर के ये नेत्रों ने दूर जाने का प्रयास किया तो ये और भी ज्यादा उनके अंदर डूब गई है। मैंने उन्हें फेरने की कोशिश करी, फेरे फिरी मैंने उनको फेरने की कोशिश की, बार बार उनको लौटने का प्रयास लौटाने का प्रयास किया लेकिन वो लौट नहीं पा रही है। देव कछु अपनों बसना, अब यहाँ पर देव गोपी के माध्यम से क्या वर्णन कर रहे हैं कि अब तो इन नेत्रों पर मेरा कुछ भी बस नहीं रहा है। रस लालच लाल चिते हुई चिरी, ये भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों के रस के लालच में इतनी लालची हो गई है कि इनको अब किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रही, ये दासी हो गई है उनके नेत्रों की, उनकी रूप माधुरी की दासी हो गई है, तो ये निकलने का प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रही है, बेबस हो गई है। बेगी ही पूरी गई पखियां अखियां मधु की मखियां भरी मेरी। अब यहाँ पर अपनी तुलना किससे करी है यहाँ पर गोपिका ने, गोपिका ने अपनी तुलना उस मक्खी से करी है जो शहद में गिरने के बाद अपने आप को निकालने में पूरी तरह से असमर्थ होती है, ठीक है। तो ये अब यहाँ बता रही है कि मेरी स्थिति मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे शहद में डूबते ही मक्खी की जो पंखे होती है वो निकलने में असमर्थ हो जाती है, वो उसी में मर जाती है, उसी में निकलने के जो प्रयास करती है वो सारे निष्फल होते हैं। तो ऐसे ही अब मैं श्री कृष्ण के नेत्रों की माधुरी में जब मेरी आंखियां फंस गई हैं तो किसी भी प्रकार से उसमें से निकलने में पूरी तरीके से असमर्थ महसूस कर रही है अपने आप में, वो नहीं निकल पा रही है, ठीक है। तीसरा पद, अब यहाँ पर कवि ने श्रृंगार रस और वियोग रस दोनों का वर्णन किया है। एक गोपिका है जो उसकी सोई हुई है, अब उसने अपने सपने में एक ऐसा दृश्य देखा है जिसके बारे में वो अपनी दूसरी सखी को बता रही है। क्या बता रही है? जहरी जहरी जीनी बूंद है प्रतिमानो, कि वर्षा ऋतु का मौसम है, वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के अंदर
धीनी धीनी बारिश पड़ रही है, धीरे धीरे बारिश की बूंदे पड़ रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, गहरी गहरी काली काली घटाए उमड़ घुमड़ कर बादल जो है वो आसमान में गरज रहे हैं। आनी भरी और श्याम मोसो और सपने में ही, ये सब चीजें कहाँ हो रही है, सपने में हो रही है गोपी के, तो सपने में ही बारिश हो रही है, सपने में ही काली काली घटाए उमड़ घुमड़ कर आ रही है, और सपने में ही गोपी को कृष्ण ने आमंत्रित किया है। आनी भरी और श्याम मोसो, चलो झूले पे बुआ जू की, चलो आज तुम हमारे साथ झूला झूलने के लिए चलो। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, अब जब श्री कृष्ण झूला झूलने के लिए निमंत्रण देते हैं गोपिका को तो वो फूली नहीं समाती। सौभाग्य की बात उसके लिए बहुत बड़े, वो फूली नहीं समाती है और मन में ऐसी प्रसन्न होती है कि शायद कोई हुआ होगा। चाहती उठी हुई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, अब जैसे ही वो झूला झूलने के लिए उठी उसकी नींद खुल गई, उसकी आंखें खुल गई, सोए गए भाग मेरे जागी वह जगत में। और जैसे ही उसने आंखें खोल के देखा तो ना तो घन थे ना घनश्याम थे जल रहे में, कि उसके जो सोए हुए भाग्य जागने वाले थे श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने पर, वो भाग्य सो गए। कैसे सो गए, उसकी आंखें खुलने पर, ठीक है। आंख खोली देखो तो घन है ना घनश्याम, आंखें खोलने पर ना तो घन थे अर्थात ना तो बादल थे और ना ही घनश्याम ना ही श्री कृष्ण थे। वे छाई बूंदे मेरी आंसू हुए द्रगन में, जो वर्षा ऋतु आने पर बूंदे चारों ओर फैल रही थी, चारों ओर बूंदे पड़ रही थी, वही बूंदे अब किस रूप में दिखाई दे रही है, वही बूंदे अब गोपिका की आंखों से आंसू बन करके निकल रही है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है सोए गए भाग मेरे जागने वाले जगन में, सोए हुए भाग उसके जागने वाले थे जो कि जागने पर सो गए। दो बातें हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो दो बातों में विरोध उत्पन्न होता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे कि भाग्य जो जागते हैं वो जागने पर, एक व्यक्ति जब जागता है तो उसके भाग्य जागते हैं, लेकिन जब वो सो जाता है तो उसके भाग्य सो जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, गोपिका कह रही है कि मेरे जो सोए हुए भाग में सोए रहने पर जागने वाले थे, अर्थात सपनों में श्री कृष्ण जब उनको साथ में ले जाकर के झूला झूलने वाले थे, वो उनकी नेत्र खुल जाने पर, नींद टूट जाने पर, वो उनका जो सौभाग्य होने वाला था वो दुर्भाग्य में बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कह रहे कवि, पहले पद में भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, दूसरे पद के अंदर उन्होंने एक सखी का वर्णन किया है, गोपिका का वर्णन किया है जो कि भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी के अंदर फंस जाती है, ठीक है, और अपने आप को निकालने में असमर्थ होती है। और तीसरे वाले पद में उन्होंने क्या वर्णन किया है, तीसरे वाले पद में उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था संयोग और श्रृंगार दोनों रसों का वर्णन है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, उनके संयोग का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार में दोनों के विरह का वर्णन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दो तीन चार लाइनों के अंदर जो है इनके संयोग श्रृंगार का वर्णन है, मतलब मिलन का वर्णन है, और नीचे की जो लाइनें हैं चार लाइनें इनके अंदर उनके वियोग का वर्णन है, जो कि मिल नहीं पाए वो अपनी झूला झूलने की जो उसकी कामना थी वो अधूरी रह जाती है और वो कामना जो उसकी विरह के अंदर बदल जाती है। तो ये वियोग श्रृंगार हो गया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर, देखो झेरी झेरी झीनी, तो झ झ और झ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आ रहा है, लेकिन अनुप्रास के अतिरिक्त आप यहाँ पर देख लो सेम शब्द है, सेम शब्द है लेकिन इनके अर्थ एक ही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। क्यों, क्योंकि शब्द तो अलग अलग है और शब्दों का अर्थ एक ही है। ऐसे यहाँ पर देखिए गहरी गहरी घटा घेरी है, तो गहरी गहरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि दोनों का अर्थ एक है, गहरी गहरी और घटा घेरी, इन चारों को अगर लेते हो तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा आचार्य देव, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 5 पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।